हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ नेम चैनल फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे नशरा नाम के बारे में नशरा नशरा नाम का मतलब क्या होता है इनकी राशि इनका लकी डे दे, डेट्स कलर स्टोन इनका नेचर इन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बहुत अच्छी नॉलेजबल वीडियो होने वाली है आइए वीडियो शुरू करते हैं नशरा नशरा नाम का मतलब होता है सुबह सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग दूसरा इसका मतलब होता है मैजिक यानी जादू और एक और इसका मतलब होता है खुशबू यानी फ्रॉग्रेंस तो ये था नशरा नाम का मतलब अब फ्रेंड्स आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके नेचर के बारे में कि इन लोगों का नेचर क्या होता है जिनका नाम नशरा होता है इन लड़कियों का मिजाज कैसा होता है नेचर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स जिनका नाम नशरा होता है ये लोग बहुत एम्बिशियस लड़कियाँ होती हैं यानी कि महत्वाकांक्षाएँ यानी कि ख्वाहिशें इनकी बहुत होती हैं ख्वाहिशों से लबरेज होती हैं दूसरा इनको हर काम में परफेक्शन पसंद होता है यानी कोई भी काम हो हमेशा उसको बहुत अच्छे और सलीके के साथ इसके अलावा बहुत परफेक्शन के साथ करना इनको बहुत पसंद होता है कोई भी काम को ऊंट पटांग करना या आधा अधूरा करके छोड़ देना यह इनको बिल्कुल नहीं पसंद है हर चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से करना और सवार के रखना यह इनका बहुत पसंदीदा काम है क्योंकि ये हमेशा बेहतर और अच्छा करने का पूरा प्रयास कोशिश करती हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है बहुत गुड लुकिंग होती हैं दिखने में बहुत खूबसूरत अच्छी होती हैं और बहुत आसानी के साथ कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है यानी दिखने में ये लोग बहुत अच्छी होती हैं बाई नेचर अगर बात करें तो इनका मिजाज थोड़ा सा सख्त होता है कभी नरम होता है कभी गर्म होता है वो डिपेंड करता है इनकी सिचुएशन के ऊपर अगर माहौल अच्छा हो तो इनका मिजाज बहुत अच्छा रहता है थोड़ा सा भी अगर किसी ने इनके साथ बदतमीज़ी करी या थोड़ा सा इनके मूड के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ तो इनका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और जब मूड ख़राब होता है तो किसी से भी पंगा लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाती हैं क्योंकि शॉर्ट टेम्पर होती हैं गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है लेकिन इनका गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी तेज़ी के साथ चला भी जाता है बाई नेचर बहुत अच्छी होती हैं मिलनसार होती हैं हमदर्द होती हैं दूसरों के दुख दर्द को समझती हैं और सोशल लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं नॉर्मली इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है इनको हर वो चीज़ मिलती है जिसकी ये लोग तमन्ना करती हैं ज़्यादातर चीज़ें इनको अवेलेबल हो जाती हैं बाई लक रिश्तों के मामले में ये लोग बहुत सेंसिटिव होती हैं और अगर बात लव लाइफ की करें तो प्यार के मामले में रोमांटिक भी होती हैं और अपने पार्टनर के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होती हैं यानी वफादार होती हैं इनकी एक सबसे अच्छी आदत होती है कि हर हाल में मुस्कुराते रहना ये लोगों की बहुत खासियत होती है यानी कि सिचुएशन चाहे जो भी हो चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो लेकिन आप इनके चेहरे पर हमेशा हंसी देखेंगे टेंशन परेशानी ये चीज़ें इनके चेहरे के ऊपर जल्दी झलकती नहीं होती है लेकिन ये शो नहीं करती जाहिर नहीं करती हैं जो भी प्रॉब्लम हो अपने आप को अपने तक समेट के रखने की कोशिश करती हैं इनका मकसद ये होता है कि हमारी वजह से कोई और ना परेशान हो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी अपनी पर्सनल है हम इसे किसी के साथ शेयर करके उसको ना परेशान करें तो हमेशा ये अपने प्रॉब्लम्स अपने कोई भी दिक्कत हो उसको अपने तक ही रखती हैं और अपने एंड से ही कोशिश करती हैं कि इसको ख़त्म करें सॉल्व करें इसलिए कोई भी सिचुएशन हो आप इनको हमेशा हर हाल में मुस्कुराता हुआ ही पाएंगे इनके चेहरे से देख के लगेगा नहीं कि अंदर से ये कितना टेंशन में परेशान है लेकिन चेहरे से आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल लगेंगी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होती हैं और जो बात होती है मुँह के ऊपर बोलने के ये लोग कायल होते हैं ओवरऑल बाई नेचर बहुत अच्छी होती हैं और गुड लुकिंग भी होती हैं तो फ्रेंड्स ये थी नशरा नाम की कुछ नेचर के बारे में डिटेल अब बात करते हैं इनके राशि इनके लकी डे डेट्स कलर स्टोन इन सब के बारे में बात करते हैं नशरा नशरा नाम की राशि होती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियस और इनका स्टार होता है मंगल यानी मार्स इसलिए इनकी लकी डे की अगर बात करें तो लकी डे में इनके लिए मंगल बहुत अच्छा रहेगा मंगल यानी सन ट्यूजडे ट्यूजडे का दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर बात करते हैं लकी डेट्स की तो लकी डेट्स में इनके लिए नौ अट्ठारह और सत्ताईस यानी नाइन एटीन और ट्वेंटी सेवन ये तीन डेट्स इनके लिए लकी और अच्छी डेट्स हैं अगर बात करें लकी कलर की तो लकी कलर्स में इनके लिए रेड कलर यानी लाल कलर वाइट यानी सफ़ेद कलर और येलो यानी पीला कलर ये तीन कलर इनके लिए बहुत अच्छे और सूटेबल कलर हैं अगर बात करते हैं इनके लकी स्टोन की तो लकी स्टोन में इनको मूंगा यूज़ करना चाहिए मूंगा यानी कोरल स्टोन इनके लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा इनको यूज़ करना चाहिए अगर बात करते हैं इनके लकी नंबर की तो लकी नंबर है इनका नौ यानी नाइन नाइन नंबर इनका लकी नंबर है अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनके करियर को लेकर इनको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए जिसमें ये आगे बढ़कर बहुत तेज़ी के साथ सक्सेस हासिल कर सकें तो इसके लिए इनको अपनी राशि के हिसाब से कोई भी काम हो चूज़ करना चाहिए तो उम्मीद है इनको बहुत तेज़ी और बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है तो इनके लिए जो काम है जिसमें ये करियर बना सकती हैं अपना पर्सनल काम कर सकती हैं उसमें डॉक्टर वकील यानी एडवोकेट जासूस साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ये सेक्टर ऐसे हैं कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं ये इसमें किसी भी सेक्टर में ये लोग जा सकते हैं क्योंकि ये दिमाग की बहुत तेज़ होती हैं और बहुत शार्प माइंडेड होती हैं तो दिमाग से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसमें दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो वो कोई भी काम ये लोग पकड़ें तो इनको बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है तो फ्रेंड्स यदि कुछ डिटेल जिनका नाम नशरा होता है उनके बारे में तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको आपके नाम के बारे में ऐसे ही डिटेल्स के साथ जानकारी देते हैं अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए बहुत जल्दी आपको उस नाम पे भी वीडियो मिल जाएगी इसके अलावा फ्रेंड्स हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता है तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लाइक आपका नेचर डीपली आप अपने नेचर के बारे में अपने करियर अपनी लव लाइफ या अपनी और भी प्रॉब्लम जो भी हो आप जिसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं डीपनी अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस वीडियो को देखिए वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप अपने बारे में और डिटेल के साथ जानकारी हासिल कर सकते हैं तो जाइए उस वीडियो को चेक करिए और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए बाय